हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप इस वीडियो में टॉप जीके एमसीक्यू देखने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उसी तरह के प्रश्नों को पैटर्न बनाकर जो है नए नए प्रश्नों को लाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और सभी से आग्रह है कि लाइक बटन जरूर दबाएं अगर वीडियो पसंद आता है तो, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि देश की पहली, ठीक है, महिला रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए, आंसर जो है इंदिरा गांधी है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए, निर्मला सीतारमण जो है दूसरी महिला है, महिला रक्षा मंत्री है देश की। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी जो 1975 में देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर दो कि देश में, ठीक है, यानी कि इंडिया में विषम लैंगिक अनुपात की समस्या से लड़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत, ठीक है, पानीपत जो कि हरियाणा में है, से कब हुआ है। और आंसर है 22 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस योजना का शुरुआत किया गया था पानीपत हरियाणा से, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर तीन है कि ऑपरेशन मदद का संबंध है किससे है। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेशन मदद का संबंध जो है केरल में जो बाढ़ आया है, ठीक है, 2018 में, तो बाढ़ राहत अभियान से रिलेटेड है। और भारतीय नौसेना ने जो है ऑपरेशन मदद नाम से जो है यह अभियान छेड़ा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन मुस्कान नाम से भी एक, ठीक है, अभियान चलाया गया था जो कि खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए था। तो ऑपरेशन मुस्कान अलग है और ऑपरेशन मदद जो कि अभी वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा जो है केरल में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है चार है कि भारतीय सेना द्वारा जो है पाकिस्तान में किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है दोस्तों, तो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है आप आज के डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तिथि भी याद नहीं होगी, यानी कौन से तारीख को हुआ था। तो खैर, देख लीजिए, आंसर जो है 28 सितंबर 2016 के मध्य रात्रि, यानी कि 12 बज के बाद हुआ था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 29 तारीख ही समझा जाए, ठीक है, तो 29 सितंबर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चूंकि मध्य रात्रि है तो उसी समय से जो है यह शुरू हो गया था। दोस्तों देखिए, उरी अटैक हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत में, उसके बाद जो है उसके 11वें दिन जो है इंडिया के भारतीय सेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया था और एलओसी के पार जाकर जो है बहुत सारे आतंकवादियों और उसके जो अड्डे को जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है पाँच है कि भारतीय प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास जो पहले 7 रेस कोर्स रोड में था, मतलब इसी नाम 7 रेस कोर्स नाम से जाना जाता था, और वो नई दिल्ली में, ठीक है, अब जिसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलने के बाद हो गया है 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री के आवास का नाम जो है 7 या 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है, जो कि पहले रेस कोर्स था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे ने कोहरे से निपटने हेतु कौन सा यंत्र विकसित किया है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोहरे के कारण जो है बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, ठीक है, इसी वजह से जो एक यंत्र विकसित किया गया और उस यंत्र का नाम है त्रिनेत्र यंत्र, ठीक है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है बीपीएससी के परीक्षाओं में, तो और भी कई परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो देखिए, ये है त्रिनेत्र यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से जो है शुद्ध किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा पानी जो है समुद्र में ही है, तो कौन सा प्रक्रिया अपनाया जा सकता है जिसे शुद्ध हो जाए। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है वो आसवन विधि, ठीक है, आसवन विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सरे किरणों की खोज किसने किया था, ठीक है, तो एक्सरे किरणों की खोज है रॉन्ट जन ने किया है, एक्स किरणों की खोज। दोस्तों, इनका पूरा नाम है विलहम रॉन्ट जन, ठीक है, और इन्होंने 1895 में जो है
एक्सरे किरण की खोज किया था। इसके अलावा दोस्तों देखिए, गोल्डस्टीन है, जे जे थॉम्सन है, इनके बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात को जान लीजिए। देखिए जो जे जे थॉम्सन है, यानी कि ऑप्शन जो बी में है, जे जे थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन के खोज किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर गोल्डस्टीन भी है, और गोल्डस्टीन ने जो है दोस्तों, गोल्डस्टीन जो है इन्होंने ये भी एक भौतिक शास्त्री का, और इन्होंने जो है एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें के बारे में इन्हें जो है सिद्धांत दिया था 1886 में, ठीक है। तो ये कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात था इनसे जुड़ा हुआ। भाई नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ओजोन परत, ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है। और ओजोन परत मुख्यतः कहाँ जहाँ अवस्थित है वह कौन सा है, और देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो खैर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी अंग्रेजी मिलाकर, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। अब भाई नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 10 है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे भारी कौन है, और इसका आंसर है दोस्तों शुतुरमुर्ग, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। और देखिए दोस्तों शुतुरमुर्ग जो बहुत बहुत भारी होता है, समझिए कि जो जितना एक आम इंसान होता है उतना ही लंबा होता है, काफ़ी भारी होता है, और एक पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकता है, ठीक है, इसके अंडे भी बहुत बड़े होते हैं, तो शुतुरमुर्ग है ये। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 11 है कि खाद्य, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको अंग्रेजी में FAO कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और आंसर है रोम में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण बात को जान लीजिए। देखिए स्थापना जिसका हुआ था 16 अप्रैल 1945 को हुआ था, ठीक है, और रोम जो है इटली में है, जाहिर सी बात है, और विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना जो इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन होता है, यानी है, जिसका कार्य क्षेत्र क्या है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो दोस्तों देखिए ये मानवाधिकार से संबंधित है, और लंदन में इसका मुख्यालय एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ठीक है। आई नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 13 है कि 3D फिल्म में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे, जो चश्मा मिलता है जानते हैं 3D फिल्मों, 2D 3D 2D तो सामान्य को देखा जाता है, लेकिन 3D फिल्मों को देखने के लिए अगर 3D का इफेक्ट देखना चाहिए तो चश्मे का प्रयोग किया था, वो किस लेंस का बना होता है, प्रश्न यही है, और इसका आंसर है दोस्तों द्विफोकसी लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवदास उपन्यास का लेखक कौन है, उत्तर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये कोलकाता से यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, हालांकि सभी हैं ऊपर उपयुक्त सभी हैं, लेकिन दोस्तों देखिए देवदास पे कई फिल्में बनी है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न है बदल नंबर की पूर्णतया जैविक विधि से खेती करने वाला देश का पहला, यानी भारत का पहला राज्य कौन है, ठीक है, और आंसर है दोस्तों सिक्किम, सिक्किम राज्य है, वो छोटा सा राज्य है, छोटी आबादी वाला राज्य है, ठीक है, और 6.5 लाख के आसपास की यहाँ आबादी है, लेकिन पूर्णतया जैविक विधि से खेती यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर में क्लोरोफिल का खनिज घटक है क्या, और इसका आंसर है दोस्तों यानी कि मैग्नीशियम, बी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक में से कौन सा स्थल एक्चुअली फिर से रिपीट है कर चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रश्न ऐसे है, और आंसर है दोस्तों भीमबेटका, ठीक है, ये भीमबेटका है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है कि इंदिरा गांधी कब का संबंध जो है किससे है, उत्तर है दोस्तों मुक्केबाजी से, तो मुक्केबाजी का जो खेल होता है उससे संबंध है इंदिरा गांधी कब का। नेक्स्ट प्रश्न है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के यानी कि जीव जो होता है कि किस भाग में जो है होती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि कोई भी खाना खट्टा है मीठा है या कड़वा है, स्वाद कैसे पता चलता है, तो जीभ से पता चलता है तो सही पता है, लेकिन ये जीभा कौन सा हिस्सा है, और इसका आंसर है दोस्तों पार्श्व भाग, ठीक है, पार्श्व भाग से जो है खट्टे स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था कब, और
1973 है, 1989 ईस्वी में, ठीक है। इसके बारे में कुछ और खास महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। देश का ये केंद्रीय बैंक है और मुख्यालय जो है मुंबई में है, ठीक है। अब आई नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 21 है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये बदलते रहते हैं क्या? तो अभी का जो वर्तमान है सबसे लेटेस्ट है और अगस्त का महीना है, अभी कुछ ही दिन पहले जो है हुआ है इनका नियुक्ति। तो देखिए लालजी टंडन है, लालजी टंडन को जो नियुक्त किया, जो कि यूपी के जो है वरिष्ठ नेता रहे हैं, ठीक है। तो राजनीतिज्ञ है ये लालजी टंडन, जो कि बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए। इनके पहले सत्यपाल मलिक थे। अब देखिए राम नाईक जो है यूपी के वर्तमान में जो है राज्यपाल है, जो कि अगस्त 2018 का है, ये सब डाटा है। केसरी त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के हैं, तो ठीक है। तो ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बात था इनसे जुड़ा हुआ। अब जाहिर सी बात है समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इसको थोड़ा तो चेक करना भी पड़ेगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर जो है 22 है कि विश्व युवा दिवस, युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? उत्तर है दोस्तों 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस जो है मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में है, चिल्का झील बहुत ही बड़ा झील है एक तरह से। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? और उत्तर है दोस्तों इसका कर्नाटक, ठीक है। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि डॉली, ठीक है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था, तो वो कौन सा प्राणी था? मतलब भेड़, बकरी, गाय, सुअर, कौन सा था? ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है आप आंसर जानते भी हो कि वो सामान्य सा प्रश्न है, तो ये भेड़ था, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न, इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो जो कि 26 नंबर प्रश्न शुरू होगा, आप देखना ना भूलें, जो कि बहुत ही जल्दी कुछ ही घंटों में आने वाला है। तो इस वीडियो में तक दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। और शेयर कीजिए, एक लोग को ही शेयर करिए कम से कम, या अपने फेसबुक जो है फेसबुक ग्रुप है, या व्हाट्सएप है, या इंस्टाग्राम है, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। URL शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें नए नए प्रश्नों को लाने के लिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए अपने नए नए वीडियो की जानकारी के लिए कि कौन कौन सा वीडियो कब कब अपलोड होता है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।